नमस्कार सभी को। तो आज हम दोस्तों ग्राम को किलोग्राम में बदलना सीखेंगे, ग्राम को किलोग्राम में बदलना सीखेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप अंत तक जरूर देखना। और आप चैनल पर पहली बार है तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं तो वहां मतलब बच्चों को कुछ डिफिकल्टी जरूर होती है भैया। जैसे हम ग्राम, 1 ग्राम को, 10 ग्राम को, 100 ग्राम को, 50 ग्राम को, 400 ग्राम को, 1 किलो, 100 ग्राम को हम ग्राम में कैसे बदलें भाई, ग्राम को हम किलोग्राम में कैसे बदलें। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। सिर्फ आप क्या करना है, वीडियो को अंत तक आप जरूर देखना है। तो चलो हम वीडियो पर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले भाई हम समझेंगे 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में ये समझना जरूरी होता है, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है। तो सबसे बिल्कुल बेसिक से आपको समझाया जाएगा, बिल्कुल साधारण तरीके से। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है, ग्राम किलोग्राम से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले हम समझेंगे भी 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होते हैं। 1000 ग्राम, 1000 ग्राम होते हैं। अब देखो हमें इसको 1 ग्राम को हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। 1 ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, मतलब बदलेंगे हम 1 ग्राम को किलोग्राम। तो सबसे पहले देखेंगे भाई ग्राम में कितनी जीरो होती है, ग्राम में कितनी जीरो होती है, 1, 2, 3 जीरो होती है। लेकिन हमारे पास यहां इसमें कितना अंक है, सिर्फ 1 अंक दिया गया। आपको करना कुछ नहीं है, बिल्कुल सिर्फ एक ट्रिक है, उससे आप ग्राम को किलोग्राम में आसानी से बदल सकते हैं। तो आपको करना क्या है, इस 1 को हम यहां लिख लेंगे, इस 1 को हम यहां लिख लेंगे। अब देखो हमारे पास इसमें कितनी जीरो दी गई है, इसमें हमारे पास 3 जीरो दी गई है। कितने अंक है इसके अंदर, 0 में 3 अंक हैं। तो हमारे पास सिर्फ इसमें 1 अंक है, तो हमें 3 अंक बनाने पड़ेंगे। हमें क्या बनाने पड़ेंगे, 3 अंक बनाने पड़ेंगे। 1 अंक तो दिया गया है, इसमें क्या बिठा लेंगे हम, 2 जीरो लगा लेंगे। आगे हम 10 वो लगा देंगे, आगे 0 लगाओ या ना लगाओ, ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे आगे जैसे हमारे पास 10 ग्राम दिया गया है, कितना दिया है, 10 ग्राम दिया गया है। तो सबसे पहले हम 10 ग्राम को सेम टू सेम यहाँ रखेंगे। अब देखो इसमें हमारे पास कितने अंक दिए गए हैं, 2 अंक दिए गए। उसमें हमारे पास 1 ग्राम में कितनी जीरो है, 3 जीरो दी गई है। तो इसके हमें 3 अंक बनाने पड़ेंगे, 1, 2 और 1, इसमें हम क्या जीरो बिठाएंगे। आगे इसमें हम 10 बोलो, ये हमारा कितना हो जाएगा, किलोग्राम। तो ये हमारा कितना था, 0.0001 ग्राम हो जाएगा। या हमारे पास इसमें आगे भी जीरो लगा सकते हैं हम, समझने के लिए भाई 0.0010 किलोग्राम हो जाएगा। अब जैसे हमारे पास इसमें 100 ग्राम आ जाता है, कितना 100 ग्राम आ जाता है, तो उस 100 ग्राम को हम यहाँ रखेंगे सेम 100 ग्राम। अब देखो हमारे पास उसमें कितने जीरो दी गई थी, 3 जीरो दी गई थी। इसमें हमारे पास कितने, 1, 2, 3 अंक है, तो 3 अंकों बाद इसमें हम 10 वो लगा देंगे, आगे 0, ये हमारा क्या हो जाएगा, किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे हमारे पास आता है 50 ग्राम, 50 ग्राम तो हम 50 ग्राम को सेम ऐसे ही लिखेंगे, 50 ग्राम को हम सेम ऐसे ही लिखेंगे। अब हमारे पास इसमें 2 अंक दिया गया, तो 1 अंक की हमें क्या बिठाएंगे, इसमें हम 0 बिठाएंगे, आगे हम क्या लगा देंगे इसमें 10 मिलो, ये भी हमारे पास किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 0.050 किलोग्राम हो जाएगा। अब जैसे हमारे पास 400 ग्राम आ जाता है, 400 ग्राम, 400 ग्राम में कितने अंक दिए गए हैं, 3 अंक दिए गए हैं। उसमें हमारे पास कितने जीरो हैं, 3 जीरो दी गई है। तो इसमें 1, 2, 3 अंकों बाद में इसमें 10 मिलो बिठा देंगे, ये हमारा किलोग्राम हो जाएगा। अब जैसे हमारे पास ये आ जाए, 1 किलो 100 ग्राम आ जाए, 2 किलो 50 ग्राम आ जाए, 3 किलो 100 ग्राम आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको हम कैसे करेंगे, उसको हम करेंगे जैसे लिख लेते हैं हम 1 किलोग्राम का क्या बना लेते हैं हम, 1000 ग्राम। तो इसमें 1 पॉइंट कितना, मतलब 1 किलो और 100 ग्राम दिया गया है, 1 किलो 100 ग्राम दिया गया है। तो देखो इसमें हमारे पास कितना है, इसमें 3 जीरो दी गई, तो इसमें हमारे पास इसमें कितना अंक है, 3। इसको हम 1000 से इसमें हम गुना कर सकते हैं, 1000 से इसको हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1000 आएगा। 1000 में हम कितना ऐड करेंगे, इसके अंदर 100 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 1100 ग्राम। कितना हो जाएगा, 1100। अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो इसमें दिया गया, अगर ग्राम दिया गया होता भाई 1100 ग्राम, 1100 ग्राम दिया होता, तो इसको हम कैसे करते, 1 किलो और 100 ग्राम में इसको हम कन्वर्ट कर देते।
अगर ऐसे दिया गया है तो बिल्कुल ये ठीक दिया गया है। अगर ग्राम में ऐसे आता 1100 ग्राम तो 1 किलो और 100 ग्राम इसको हम कन्वर्ट ऐसे कर देते। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो दोस्तों आपका कभी भी गलती नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और बेल प्रेस जरूर करना ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।